हेलो पीपल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बनाएंगे लस्सी, पंजाब की फेमस लस्सी बनाएंगे आज हम, वो भी घर पे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे जार में डाल लिया है आइस क्यूब्स। तो कुछ आइस क्यूब्स लेंगे हम यहाँ पे, लगभग एक कटोरी, एक छोटी कटोरी। उसके बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं दही, ये होममेड दही है, आप मार्केट के दही का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 कप दही लेंगे, तो 1 कप मैंने डाल दिया है, 1 कप और दही लेंगे हम। और हम इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं तो लस्सी जो हमारी है वो पतली हो जाएगी, तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा। अब हम इसमें डाल लेते हैं 7 से 8 बड़े चम्मच शुगर, आप चाहें तो शुगर पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, बट शुगर इसमें अच्छे से मिल जाएगा जब हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो चलिए अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें इलायची भी डाल सकते हैं। ये हमने ग्राइंड कर लिया है, तो इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। हमने इसमें पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है और एकदम सिंपल बनाना है इसको। तो चलिए अब हम इसे एक सर्विंग ग्लास में सर्व कर लेते हैं। तो ये हम ग्लास में सर्व कर लिए इसको। इसमें ग्राइंड करने से क्या होता है कि थोड़े से भी लम्ब्स नहीं रह जाते हैं, जो दही के लम्ब्स होते हैं। और अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जो बहुत अच्छे लगते हैं जब हम लस्सी पीते हैं तो उसके साथ। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेती हूँ, आप अपने मनपसंद के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लस्सी बनके तैयार है एकदम, और झाग भी एकदम ऐसे मार्केट की तरह आया है। हमने इसे ज़्यादा ग्राइंड नहीं किया है, थोड़ा ही ग्राइंड किया है। तो एंजॉय कीजिए आप रेसिपी को और अपना फीडबैक भी देते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। चलिए बाय बाय।